तो गैस यहाँ पे मैं OLX ओपन कर लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ जो ऐड मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो ये चार ऐड हैं जो PS5 के मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, इन्हीं में से कोई एक परचेस करूँगा मैं। दो गेम्स एक्चुअली मैं वहाँ पे जाके चेक करूँगा इसकी डिस्क में, बिकॉज हमने डिस्क भी चेक करनी है। एक लास्ट ऑफ अस 2 है और एक ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 है। तो गैस ये PS5 है और लेस देन वीक यूज़ हुआ है, और जब मेरी सेलर से बात हुई थी तो ये एक्चुअली PC गेमर है और इसको PS5 की मतलब इतना अच्छा नहीं लगा इसको, सो दैट्स वाई ये सेल कर रहा है और रीज़न कोई नहीं है। बट ऑफ कोर्स हम जाके चेक करेंगे, बिकॉज यूज़ चीज़ है यार, तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो गैस ये थे वो PS5। जो चीज़ इसके बॉक्स में थी वो सारा कुछ यार, ये कितना वजनी है वैसे ये था ना इसका, आई थिंक सो फिर ना हो जाएगी। तो गैस यहाँ पे मैंने PS5 को सेटअप कर लिया और अब इसको ऑन करते हैं फर्स्ट टाइम। तो ओके आई थिंक ये है इसका पावर बटन, और काफ़ी खूबसूरत लाइट लगती है ये ब्लू लाइट जब ये स्टार्ट होता है, लेकिन PS5 में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और फाइनली वेलकम टू PlayStation 5, इस चीज़ को देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। तो यार सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ये शर्ट कैसी लग रही है। आज की इस वीडियो के लिए स्पेशली शर्ट पहनी है मैंने, दिस PlayStation एक्सक्लूसिव। कैमरे का एंगल थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ओके नाउ इट्स परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमजा इज़ हियर। तो मैं आता हूँ सीधा पॉइंट पर, टाइटल देखकर आपको पता लग ही गया होगा ये वीडियो जो है वो PlayStation 5 के बारे में होने वाली है। आज की इस व्लॉग में मैं PlayStation 5 बाय करने जा रहा हूँ, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो यार ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इतनी ज़्यादा रिसर्च पहले ही कंप्लीट कर ली थी, बिकॉज मैंने खुद परचेज़ करना है यार, मतलब आज की इस वीडियो में मैं परचेज़ करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा गाइज, अभी अगर न्यू PlayStation 5 लेने जाओगे आप मार्केट में, मैंने दो तीन जगहों से पता किया है, हार्ड रोड में एक शॉप थी, वहाँ पे जो इसके प्राइस थे वो थे 165K FNF फुल एंड फाइनल, और दूसरी शॉप थी वहाँ पे उसके प्राइस थे 162K FNF फुल एंड फाइनल, मतलब इससे कम नहीं मिलेगा बॉक्स पैक्ड। अब यहाँ पे गाइज ये दो शॉप्स पे मुझे प्राइस थोड़े से ज़्यादा लगी, तो फिर तुम्हें पता तुम्हारा भाई कितना बड़ा फ़ैन है OLX का, तो मैंने OLX पे सर्च किया। अब OLX पे भी कुछ ऐड ऐसे लगे होते हैं जो कि जिन लोगों की शॉप्स होती हैं और वो सेल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मुझे एक ऐड मिला जिसमें PS5 बॉक्स पैक के जो प्राइस मुझे मिल रहे थे वो थे 157K FNF फुल एंड फाइनल। तो जो सबसे सस्ता मुझे PS5 मिल रहा था राइट नाउ व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, बाद में ऑफकोर्स इसके प्राइस डाउन होंगे, तो वो थे 157K। अब यार ये भी आई थिंक थोड़े से एक्सपेंसिव थे। तो गाइस फिर मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पर सर्च किया और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मुझे एक भी PS5 नहीं मिला जो कि सेल हो रहा हो, तो वहाँ पे तो कोई चीज़ मुझे मिली नहीं PS5 के बारे में। तो गाइस उसके बाद लास्ट एक ही ऑप्शन रह जाती है, वो है OLX। तो गाइस OLX में मैंने 3 PS5 के ऐड देखे, तो मुझे वो अच्छे लगे, शॉर्टलिस्ट किए हुए मैंने। तो अब मैं आपको वो पहले ऐड दिखाता हूँ, देन हम बात करते हैं। तो गैस यहाँ पे मैं OLX ओपन कर लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ जो ऐड मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो ये चार ऐड हैं जो PS5 के मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, इन्हीं में से कोई एक परचेस करूँगा मैं अगर उसमें कोई इशू नहीं होता। तो सबसे पहला ऐड ये है, इसके प्राइस है 158K विथ 30 गेम्स, बट यहाँ पे गैस एक ट्विस्ट है, ये PS5 की कंडीशन तो अच्छी है, प्राइस थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव है इन माई ओपिनियन। पिक्चर्स में कंडीशन साफ लग रही है, विद बॉक्स है ये, और ये गेम्स है, बट गैस ये जो गेम्स हैं ना ये सारी डिजिटल हैं, तो गैस डिजिटल गेम्स मुझे कोई इतनी खास अच्छी लगती नहीं है। और इसके प्राइस भी जो इस पर्सन ने सेलर ने किए थे फाइनल वो थे 155, तो ये मुझे कोई इतना समझ नहीं आया। एंड जो सेकंड ऑप्शन थी वो ये थी, इस पे गेम ज़रा लास्ट में, और एक और ऑप्शन थी थर्ड वो ये थी, PS5 डिस्क एडिशन UK वर्जन। तो ये जो PS5 है एक्चुअली मैंने सबसे पहले देखा था जब मेरा माइंड बना था यूज़ बाय करने का। तो यहाँ पे गाइस 190 के प्राइस हैं, बट दो कंट्रोलर हैं, एक ये जो न्यू वाला या ब्लैक वाला वो है, और एक इसके साथ आता है। और गैस इस सेलर ने जो फाइनल प्राइस बताए थे इस PS5 के 187K थे, तो मुझे ये भी इतना समझ नहीं आया। और लास्ट वाली जो ऑप्शन है ये काफ़ी ट्विस्ट है, ये हो सकता था मैं बाई कर लेता, बट ये मुझे सेलर इतना मतलब यार सीरियस नहीं लगा। ये एक PS5 है, साथ में इसके साथ ये कंट्रोलर है, और ये एक स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस गेम है,
और इस पर्सन ने जो फाइनल किए थे इस पूरे बंडल के वो 145 के थे। यहाँ पे अगर आप ऐड पे फोकस करो तो एक्स्ट्रा कंट्रोलर की प्राइस 10,000 है और स्पाइडरमैन माइल्स मोरालिस की प्राइस 5,000 है, लेकिन इस पूरे बंडल के प्राइस जो इस बंदे ने किए थे लास्ट फाइनल वो थे 145 के। लेकिन गाइज ये जो सेलर है इसको आज मैसेज करो तो कल रिप्लाई आ रहा, तो मतलब ये इतना मुझे सीरियस नहीं लगा। और जो अब मैं लेने जा रहा हूँ अगर वो PS5 अच्छा मुझे लगा तो वो ये है, इसके जो प्राइस है वो 137 के हैं, जस्ट PS5 है ये। आप इसकी कंडीशन देख सकते हो बॉक्स में, ये वाला इसका मॉडल है, ये ओल्ड मॉडल या जो भी लेटेस्ट है वो नहीं है ये। तो इसके साथ बॉक्स है, कंडीशन ऑलमोस्ट साफ सुथरी लग रही है, और इससे जब मेरी बात हुई थी तो ये यूरोपियन वेरिएंट है, डिस्क वर्जन ऑफ कोर्स, और ये जितने भी मैंने को दिखे हैं ये सारी डिस्क वर्जन है, मैं डिस्क ही प्रेफर करता हूँ। और यहाँ पर इनमें से मैं एक अभी गेम निकाल भी लेता हूँ जिसको मैं चेक करूँगा वहाँ पर जाके, तो इस गेम को हम निकाल लेते हैं, ये दो गेम्स एक्चुअली मैं वहाँ पर जाके चेक करूँगा इसके डिस्क में, बिकॉज हमने डिस्क भी चेक करनी है, एक लास्ट ऑफ अस 2 है और एक ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 है। तो गाइज ये PS5 है और लेस देन वीक यूज़ हुआ है, और जब मेरी सेलर से बात हुई थी तो ये एक्चुअली PC गेमर है और इसको PS5 की मतलब इतना अच्छा नहीं लगा इसको, सो दैट्स वाई ये सेल कर रहा है और रीज़न कोई नहीं है, बट ऑफकोर्स हम जाके चेक करेंगे बिकॉज यूज़ चीज़ है यार, तो हम कुछ कह नहीं सकते। मेरा माइंड जो है वो 130K तक है इसको परचेज करने का, अगर तो ये साफ कंडीशन में हुआ और इसमें कोई फॉल्ट नहीं हुआ। तो गाइज़ ये थे वो PS5, होपफुली आपको अभी तक वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, और ये दो गेम्स मैं लेके जाऊँगा जिसमें हम चेक करेंगे क्या इसमें डिस्क प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। तो गाइज़ ये वो PS5 जो मैंने फाइनल किया है, एंड होपफुली इसमें कोई इशू नहीं होगा, तो चलिए चलते हैं फिर इसको बाय कर। यार ये कितना वजनी है वैसे, मजाक के अलावा जो नया वजन है ना वो 300 ग्राम हल्का है, मैंने सुना वो जरा थोड़ा सा, लेकिन उसका एक मसला है 300 ग्राम से क्या फर्क है, मैं बताऊं उसका क्या मसला है, उसमें हीट सिंक थोड़ी सी कम लगी हुई है, उसका हीट सिंक काट लिया हमने सही, उसका भी टेंपरेचर नहीं इतना अच्छा नहीं, इसको भी आप ही उठाओ यार, मैं ये खा से जरा यार, मैं जरा ये वही वाली इसकी है ना HDMI, कंट्रोलर के साथ ही करें इसको कि नहीं, कौन सा था इसका पावर बटन, वैसे इसका अपना नहीं है पावर बटन है, कौन सा वाला पता नहीं, दोनों बटनों में से चला के देख ले कौन सा ये है, अभी तो कह रहा था सारे पीछे देख, मुझे तो PS4 की आदत पड़ी हुई है, इतनी लंबी उसकी आती थी यार टाइम, इसकी बूट टाइम बहुत है, ये अभी आगे कंट्रोल में रखा कौन सा वाला अकाउंट, कोई भी हाँ कोई भी, इसमें 200 ये था ना इसका, आई थिंक सो वो फिर ना हो जाएगी,
वैसे ये कंट्रोलर इसका काफी एडवांस है ना, टाइप सी लगी हुई है ना इसमें, टाइप सी है ना ये, ये साथ ही होगी इसकी ओरिजिनल। जो जो चीज इसके बॉक्स में थी वो सारा कुछ मिल यार, वो वाली टाइप सी नहीं होती जो 150 की मिलती है भाई, इसने तो बर्बाद कर देना इस कंट्रोलर को एक हफ्ते में। इसकी तो एच डी में भी दूसरी है, मतलब ये सपोर्ट करती है 120 हर्ट्ज। ये इसकी मैनुअल्स है सारी। तो गाइस आपने वीडियो में देखा होगा PS5 मैंने परचेस कर लिया है और कुछ इस तरीके का ही है PS5। ये इसके साथ ओरिजिनल मतलब बाहर से आया हुआ था ये शॉपर, तो साथ मिला है तो इसको रख लेते हैं साइड पे। एंड ये है PS5, आपने देखा होगा कंडीशन में, और ये मैंने कितने का परचेस किया, इसको मैंने परचेस किया है 131K में। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको ओपन करके, बिकॉज़ रास्ते में इसको मैंने टेप से कवर कर दिया था, तो इसको मैं यहाँ से अगेन कट आउट कर लेता हूँ लाइक दिस। और गाइस नीचे आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये डील कैसी लगी, और होपफुली आपने कुछ ना कुछ न्यू भी ज़रूर सीखा होगा। एंड PS5 का कंट्रोलर है ये, ऑफकोर्स ये री अनबॉक्सिंग है क्योंकि ये पहले यूज़ हो चुका हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि क्या क्या इसके साथ मिला है। तो ये DS4 डुअल सेंस 4 कंट्रोलर है ये, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। और साथ में क्या क्या मिला है इसके, मतलब यार जो चीज़ें मिलती हैं वो सारी ही मिली हैं, मैनुअल्स वगैरह ये सारी। इसकी HDMI केबल प्लस इसकी ये पावर केबल है, जो कि एज़ कम्पेयर टू दी PS4 मुझे थोड़ी लो क्वालिटी की लगी, बट होपफुली इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। और ये इसकी है क्या कहते हैं टाइप सी केबल, ये है PS5 माई गॉड। और लिटरली गाइस ये 10 दिन भी यूज़ नहीं हुआ हुआ, मतलब इतनी साफ कंडीशन है इसकी। रीज़न फॉर सेल उस सेलर का ये था, उसने PC गेमिंग करनी थी PS5, इस वजह से उसने सेल कर दिया। और आप कंडीशन देख सकते हो, मतलब एक इसकी ग्लॉसी जो है साइड उस पर भी एक स्क्रैच नहीं है, मतलब लिटरली न्यू है यार ये। तो गाइस यहाँ पे मैंने PS5 को सेटअप कर लिया और अब इसको ऑन करते हैं फर्स्ट टाइम। तो ओके आई थिंक ये है इसका पावर बटन, और काफ़ी खूबसूरत लाइट लगती है ये ब्लू लाइट जब ये स्टार्ट होता है, होपफुली आपको नज़र आ रही होगी। और इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि ये डिवाइस कितनी देर में ऑन होता है, बिकॉज इसमें SSD लगी है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो होपफुली यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगेगा ये। और स्टार्ट हो चुका हुआ है PS5 एज़ कम्पेयर टू दी PS4, जो इसकी ये होम स्क्रीन है यानी कि जो स्टार्टअप है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस जब मैं इसको लेने लगा था तो मैंने वहाँ पे इसको रीसेट करवा लिया था, और इसके साथ बॉक्स में ये ओरिजिनल इसकी टाइप सी केबल मिली थी, तो यहाँ पे आपको इसको करना पड़ेगा कनेक्ट। इसके साथ यार हमेशा इसकी ओरिजिनल केबल ही यूज़ करनी है आपने, अदरवाइज़ कंट्रोलर में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया कनेक्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको पूरा सेटअप करके दिखा रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर एडजस्ट करना है अपने डिस्प्ले को, कंटिन्यू विदाउट डिस्क, तो कंटिन्यू विदाउट डिस्क कर लेता हूँ मैं। ओके पावर ऑप्शंस और रीसेट मोड, माइज एक्सपीरियंस कस्टम, इसको हम कर देते हैं लो पावर यूज ही पे कर देते हैं। ओके यहाँ पे प्ले स्टेशन का एग्रीमेंट है, इसको मैं कर देता हूँ एग्री कंफर्म। और गाइस मुझे यार एक चीज़ बताना है कि आपको ये पूरी वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा लगा, और जितने का मैंने लिया कैसा आपको लगा। एंड यहाँ पे हम एवाटार सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना नाम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके PS5 में यार मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, लाइक जो PS4 में हमारे पास थीम्स की ऑप्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती थी, लेकिन PS5 में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और फाइनली वेलकम टू PlayStation 5, इस चीज़ को देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। और यहाँ पे PlayStation 5 हमारा सेटअप हो चुका हुआ है, और कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो ये गाइज आपको एक्सपीरियंस मिलता है PlayStation 5 का यार, और मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको ये कैसी लगी वीडियो। और जो चीज़ मैं आपको बता रहा था वो ये है, लाइक देखो यहाँ पे जो भी गेम लोगे ना आप, यानी कि जो भी गेम आपके PS5 में है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएगा। लाइक ये वाला थीम है यहाँ पे, अब ये चेंज हो जाएगा, और जो भी आप गेम खेलोगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो थीम्स है वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है।
और गाइज ये था एक्सपीरियंस मेरा प्लेस्टेशन 5 का। यार कमेंट और लाइक ज़रूर करना, कमेंट इस बारे में करना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहोगे गेमिंग से रिलेटेड। और होपफुली मैंने आपको काफ़ी नॉलेज दिया होगा इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्यूचर में भी आपको इस तरह की ऑथेंटिक टू द पॉइंट जेन्युइन वीडियोस मिलेंगी। और लास्ट में गाइज आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।